नगर निकाय के चुनाव के दौरान जनपद महोबा के कुलपहाड़ नगर में गणेश प्रसाद यादव निर्दलीय चेयरमैन पद के उम्मीदवार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं यहां ऐतिहासिक कार्य करूंगा जो अभी तक किसी भी चेयरमैन ने बीते कालों में नहीं किया है। मेरा कार्य करने का तरीका सबसे अलग रहेगा क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह हल है और मैं किसानों से शुरुआत करूंगा। जो फल विक्रेता हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनके लिए विशेष कार्य करूंगा और जो मूलभूत समस्याएं हैं और नगर में क्षेत्र में मैं उन पर खरा उतरूंगा। साफ सफाई के साथ साथ जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उन समस्याओं को निपटाने का कार्य करूंगा। नगर पंचायत कुलपहाड़ में स्थित मैरिज हॉल का उपयोग सभी कन्याओं के शुभ अवसर पर निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। वाटर टैंक का उपयोग कन्याओं के शुभ अवसरों के अवसर पर निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। नगर पंचायत कुलपहाड़ क्षेत्र में कुलपहाड़ में जहां सड़क नाली खरंजा निर्मित नहीं है वहां निर्माणाधीन उसे प्राथमिकता के आधार पर सिख निर्मित कराया जाएगा। बिजली पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी। नगर पंचायत कुलपहाड़ में प्राथमिकता के आधार पर शमशान घाट और कब्रिस्तान की समुचित व्यवस्था की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन से वंचित बुजुर्ग और बहनों की वरीयता क्रम प्राथमिकताओं के आधार पर उचित लाभ प्रदान कराया जाएगा। समय समय पर नगर पंचायत कुलपहाड़ में स्थित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों का भ्रमण पर विद्यालय की साफ सफाई और पाठन भोजन व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। जी जी, तो इस वार्ड इस क्षेत्र की यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं उन पर प्रकाश डालिए। अच्छा, एक तो ये है सर, किशोर सागर का सुंदरीकरण है सर जी, और दूसरा है जी समझ लो ईदगाह साइड में समझ लो उधर कोई बारात घर नहीं है और ना कोई शौचालय वौचालय है जी, है ना, और न जो नाली आल खरंजा उखड़े पड़े हैं हर जगह। गणेश प्रसाद जी, और प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके, जैसे कि यहाँ पर कई सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो प्रमुख मुद्दे आपके क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दा साफ सफाई पे रहेगा विशेष जी, सबसे अधिक, और जो स्कूल वगैरह हैं प्राइमरी हैं वो या जूनियर हों तो उसको मेनू के अनुसार उसकी व्यवस्था देखी जाएगी। गणेश प्रसाद जी, जैसे कि आप एक गवर्नमेंट अधिकारी भी रहे हैं तो आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट मान के चले क्या? हाँ जी, मैं सर गवर्नमेंट कर्मचारी रहा, सहायक चकबंदी अधिकारी, इधर महुआ में भी रहा, ललितपुर से रिटायर हुआ हूँ जी। जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह हल है जो कि किसानों की एक पहचान है हल, और किसान हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि अगर वो किसान खाने नहीं उगाएंगे तो हम सब खाना कैसे खाएंगे जी, तो आप औरों से अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं, जैसे बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? ऐसा है सर, मैं एक सरल सज्जन और ईमानदार व्यक्ति रहा हूँ सर जी, हाँ, इस वजह से लोग बाग मुझे लाइक करते हैं सर। और मैंने सुना है कि चुनाव जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, अपना अपना विकास करते हैं, जनता का विकास नहीं करते हैं? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गवर्नमेंट हमें सब पेंशन दे रही है सर, हम उसमें संतुष्ट हैं। दो ही आदमी हैं हमें, कोई ना शादी विवाह करना है, सब हर चीज़ से फुर्सत है सर। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करी जाएगी कि समझ लो ईमानदार और जो सही आदमी व्यक्ति को, गुंडा ना हो, आतंकी ना हो, उसको ना चुना जाए। आने वाली 11 तारीख को क्या अपील करेंगे? 11 तारीख को अपील यही है कि जनता से यही हमारा अनुरोध है कि सही व्यक्ति को आदमी चुने, जिन कहा के नंबर पर आपका चुनाव चिन्ह किस नंबर पर है? 8 नंबर पे है सर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी।